अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शाह और आप देख रहे हैं इस वक्त टेक्निकल आसिफ शाह यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हर बार हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं। आज भी हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और ये टॉपिक है हमारा यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। तो कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हैं और कैसे कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को प्रमोट YouTube एडवर्टाइजिंग से, तो इसका आज हम आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना है और कहीं भी आपने स्किप नहीं करना है। आज हम आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं जिसमें आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस पर व्यूज़ ले सकते हैं और अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलते हैं, अब बिना टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो है हमारी यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। तो YouTube एडवर्टाइजिंग के लिए सबसे पहले आपने लैपटॉप पर आकर या PC पर आकर YouTube.com/ads लिखेंगे और इंटर करेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रो योर बिजनेस विथ अ YouTube एड्स। तो कैसे आप अपने बिजनेस को या अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ तमाम तर तफसीलात इसकी मौजूद हैं कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को, कैसे आप अपने चैनल को बूस्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब एड्स के थ्रू। तो आप इस तरह देख सकते हैं इसकी तमाम मालूमात। तो अब बिना टाइम ज़ाया किए मैं आप लोगों को इसका तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका गूगल अकाउंट मांगेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट इंटर करना है, मेरा ऑलरेडी है तो मैं इसको यहाँ से लिंक कर देता हूँ। तो मैं पहले से इसमें लॉग इन हूँ और इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा आप लोगों को। एड्स का लोगो आप लोगों को नज़र आ रहा है इस तरह से, तो इस तरह से मेरा अकाउंट स्विच हो जाएगा इसमें। और अगर आप लोग लॉग इन नहीं हैं तो आप लोग इस तरह जब इसमें लॉग इन होंगे तो आपका अकाउंट इसमें इन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को मैं मुकम्मल तफसील के साथ इसकी सारा तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने अपने चैनल को या आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है यूट्यूब एड्स के थ्रू। इसमें फ्रेंड दो ऑप्शन दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा है ड्राइव वीडियो व्यूज एंड ट्रैफिक टू वेबसाइट, यानी ये एक एक्सटर्नल तरीका है जिससे आप हटकर वेबसाइट के हवाले से कर सकते हैं। और दूसरा है ड्राइव वीडियो व्यूज एंड एंगेजमेंट विथ योर चैनल। हमने चैनल के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमें इस सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर ये आपसे लिंक मांगेगा, चाहें तो आप अपना यहाँ पर लिंक भी दे सकते हैं चैनल का, या अगर आप अपनी वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं, जिस तरह ये मेरा चैनल है आप जानते हैं टेक्निकल आसिफ शाह, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ मेरी बहुत सारी वीडियो आप लोगों को नज़र आ रही होगी टेक्निकल आसिफ शाह पर। तो मैं आप लोगों को इस वक्त यूट्यूब एड्स के हवाले से बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वीडियो है, तो मैं इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर आकर, ठीक है, और यहाँ आकर इस लिंक को मैं इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब आप अपना लिंक यहाँ पेस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा, मोबाइल में आप लोगों को इस तरह से दिखाएगा और डेस्कटॉप में आप लोगों को इस तरह से दिखाएगा, यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो इसको मैं इसी पर रखता हूँ और ये मेरा थंबनेल है। अगर आप थंबनेल की जगह अपनी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सेकंड पे क्लिक कर दें, अगर कोई थर्ड पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो उस पर कर सकते हैं, इस तरह किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थंबनेल पे रहने देता हूँ। तो
तो थंबनेल पर ही ये रहेगा। और ये आपका एड प्रीव्यू है, इस तरह से आपका एड शो होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर इंटर हेडलाइन, हेडलाइन आप क्या रखना चाहते हैं अपने एड्स के हवाले से। जैसे मैंने लिंक इसको पेस्ट किया तो यहाँ जैज डिजिट पावर 4G हॉटस्पॉट मोबाइल अनबॉक्सिंग रिव्यू है, तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं बैक करके इसको। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्निकल आसिफ शाह, नीचे लिख देता हूँ इंटर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मेरी वीडियो टैग से रिलेटेड होती है और अनबॉक्सिंग होती है और रिव्यू होता है, रिव्यू, ठीक है। और यहाँ भी लिख देते हैं इंफॉर्मेटिव इन्फो, टेक्निकल, ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेस देना भूल गया, इन्फो टेक्निकल वीडियोस। तो इस तरह आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन हो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे आप इस तरह से, कंटिन्यू पॉलिसी में करना भूल गया था, इसको यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट के बाद आप लोगों को ये एक और पेज खुल जाएगा। अब ये बता रहा है एस्टिमेट वीकली परफॉर्मेंस 75,000 से 180,000 की इम्प्रेशंस हैं इसके, ठीक है। और इस तरफ ये आप लोगों को बता रहा है कि पाकिस्तान कंट्री, यानी आप किन ममालिक में अपने एड्स को रन करना चाहते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अलावा भी ममालिक में अपने एड्स को रन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्स लोकेशन में आकर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन भी ममालिक को आप ऐड करेंगे या ऐड कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ पाकिस्तान को मैं अपना ऐड रन करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ पाकिस्तान में ही सेलेक्ट करता हूं उसको, ठीक है। उसके बाद ये आपको कह रहा है कि व्हाट लैंग्वेज डू योर कस्टमर स्पीक, मैंने यहाँ सिर्फ इंग्लिश पे रखा हुआ है, आप चाहें तो इसको इंग्लिश की जगह मजीद भी लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ उर्दू, ठीक है, इस तरह से उर्दू को सिलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये उर्दू भी आ गया। जितनी भी लैंग्वेज को आप ऐड करेंगे उस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखें 78,000 से 190,000 के करीब एस्टिमेट रीच बता रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बता रहा है पाकिस्तानी 80 पैसे से 3 रुपए तक एवरेज कॉस्ट पर रिव्यू, पर व्यू आपको इसके चार्ज पड़ेंगे। तो यहाँ फिर नेक्स्ट का ऑप्शन दे रहा है तो आप इसको फिर नेक्स्ट कर दें। यहाँ आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट के बाद एक और पेज खुल जाता है, कहता है सेलेक्ट दी जेंडर एज एंड पेरेंटल स्टेटस ऑफ योर कस्टमर। तो जो भी स्टेटस आप इसमें सेलेक्ट करते हैं जैसे फीमेल मेल अननोन। अच्छा, इसमें अब 65 साल से ज़्यादा लोग तो मेरा कॉन्टेंट नहीं देखते, मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। मेरी ज़्यादातर वीडियो 18 से 24 साल, 25 से 34 साल, 35 से 44 साल इस तरह हैं। तो ये पूछ रहा है कि किन लोग आप लोगों की वीडियो को देख सकते हैं, नॉट अ पेरेंट्स, पेरेंट्स अननोन। तो इसको भी मैं चेक कर देता हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अननोन को सिलेक्ट रखते हैं हम इस तरह से, और मेल फीमेल, ठीक है, आप अगर चाहें तो मेल रखें फीमेल रखें, यह आप पर है सिलेक्शन, ठीक है। और इसके बाद आप दोबारा इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद किन लोगों को आप अपना ये एड्स रन करवाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सर्च करेंगे। कीप द इंटरेस्टिंग
बोर्ड अब पॉसिबल। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं लिख लेता हूं टेक्नोलॉजी से, टेक से रिलेटेड, यह आ गया सामने न्यू टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होम गैजेट्स टेक्नोलॉजीज कंपनीज। इसमें आप जो भी सिलेक्शन देंगे वही उन्हीं लोगों को ये पहुंचेगी, जैसे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से जो भी आप इसमें सेलेक्ट करेंगे वही एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, इस तरह से जो जो सिलेक्शन आप रखेंगे इसमें वो कर सकते हैं। आईटी टेक्निकल इस तरह कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी इस तरह कर सकते हैं, जो भी सिलेक्शन आप रखते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने तो ये यहाँ पर तमाम टैग्स आ गए, यानी इसे सर्चिंग कीवर्ड्स कहते हैं कि इन्हीं लोगों को आपका ये एड्स शो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 78,000 से 1,80,000 यानी 1,80,000 तक ये आपके एड्स को रीच करेगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको दोबारा नेक्स्ट पे ले जाएं, यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये फिर आपसे आपके बजट के हवाले से सवाल करेगा कि आप अपना क्या बजट रखना चाहते हैं। जैसे ये बता रहा है इंटर डेली बजट 600 रुपीज, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा हाउ लॉन्ग विल योर एड्स रन कंटिन्यूसली और सेलेक्ट एंड डेट। तो मैं कंटिन्यूसली नहीं, जैसे मैं सेलेक्ट एड्स कर देता हूँ, सेलेक्ट एंड एंड डेट्स, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे डेट पूछ लेता है कि आपने कब तक, जैसे मैं एक डेट रख लेता हूँ 5 सितंबर की रख लेता हूँ, तो इस तरह से एक डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी पर डे 600 रुपीज का आपका बजट है एड्स रन करने का। अगर आप 3 से 4 बार अपना एड्स चला देते हैं तो आपके सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो सकते हैं, यानी बढ़ सकते हैं, और आपका वॉच टाइम भी बढ़ सकता है। तो अब ये लास्ट ऑप्शन है इसका, अगर आप इसको इस तरह से नेक्स्ट कर देते हैं, जैसे ये है, इसको नेक्स्ट कर दिया आपने, तो ये सारी जो आपकी प्रीवियस सेटिंग है वो उसको शो कर रहा है। और उसके बाद ये लास्ट स्टेज है, इसको अगर आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपका ऐड प्रोसेस में चला जाएगा और आपका ऐड जो है वो रन होने के लिए जो डेट आपने सेलेक्ट की होगी उस पर चला जाएगा। तो ये थी हमारी आज की एड्स की वीडियो, जो हमने आपको मुकम्मल यूट्यूब पर आपने किस तरह से ऐड चलाना है, किस तरह से सेटिंग करनी है, तो उस हवाले से मैंने बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही मैं चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त, जब तक के लिए